सजमंजी से पावर प्लांट पहुंचे और उन्होंने तमाम बैठकें वहां पर की हैं, निरीक्षण किया है, तमाम जो वहां की समस्याएं हैं, संभवतः हो सकता है कि उन समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों से, स्थानीय अधिकारियों से मंत्रणा की होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनसे उनके दौरे के दौरान किसी तरह के सवाल जवाब की गुंजाइश बाहरी लोगों को नहीं दी गई, पत्रकारों को भी नहीं दी गई। तो इस गोपनीय दौरे पर चर्चा के लिए हमारे बीर सिंह कुरपाली से सहयोगी दीपू त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। क्या कहें दीपू जी, आज का जो दौरा है, दौरा तो संपन्न हुआ, लेकिन दौरे के बाद कोई परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है? जी किशोर शर्मा जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, लगातार मंजीत सिंह जी जो पावर जनरेटिंग कंपनी के यहाँ के एमडी है, उनसे लगातार सवाल करने के प्रयास किए गए, उनका संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ प्रबंधन जो है वो दूरियां बनाते न चाहता है। पहले तो पावर प्लांट में उनको रोका, उनसे बात की और मुलाकात करने के लिए रोका गया। फिर कुछ देर के बाद ये कहा जाता है कि आप लोग यहीं इंतजार करें, हम से बात करेंगे, प्लांट से दौरा करने के बाद आपसे मुखातिब कराया जाएगा। इस तरीके का रिश्ते में रखकर पहले बाहर रखा गया, फिर अंदर करा दिया गया। लगातार उनके वहाँ रुकने के बावजूद संपर्क करने का दोबारा प्रयास किया गया तो पावर प्लांट में अंदर जाने से रोक दिया जाता है। जो वहाँ सुरक्षा कर्मी कहना था उनके द्वारा ये काम करता है कि ताकि जो बातें होंगी वो जिस हाथ में कराई जाएगी। लेकिन यह भी एक बड़ा मुद्दा था वहाँ कि जब ये तमाम व्यवस्थाएं वहाँ कर ली गई तो पत्रकारों से 1 से 5 मिनट वो रूबरू नहीं हुए। लौटने के बाद उसे क्यों नहीं समझा, उनको समय देना उचित क्यों नहीं समझा और उनको धोखे में रखकर दौरा शुरू कर गए। मैं आप ये बताना चाहूंगा कि यहाँ लगातार जो बताकर अनलोडिंग का मामला है वो भी यहाँ दबा हुआ है। पावर परियोजना से जो लगातार राखड़ के जेल में राखड़ भी लाई जा रही है वो भी वहाँ काफी बड़ा होता है। उत्पादन को लेकर के जो प्रभावित होने की स्थिति है, यहाँ जो भयावह स्थिति बनने न जाना थी उससे भी शुरू होता था, उसमें भी चर्चा की जानी थी, लेकिन मीडिया से दुनिया क्यों बनाई गई। लगातार उनसे ये संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन तक नहीं उठा, उन्हें जवाब देना भी नहीं समझा। मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनका मनजीत सिंह का दौरा था ये एक दिखावा साबित हुआ है और कहीं ना कहीं अभी नहीं, जिससे कई दिनों से जब से जो यहाँ के एमडी बने हैं उसके बावजूद भी आने में इतने में आ रही है। आपसे लगातार यहाँ बात करने के लिए, प्रयास करने के लिए हम लोग उनसे संपर्क साद रहे थे कि उनको जोड़ा जाए। आपने भी उनसे बात की और 2 बजे के बाद उन्होंने कहा था कि दो बजे के बाद या 2 घंटे के बाद हम आपसे रूबरू होते हैं। आखिर उसके बाद भी ये दोबारा पलट करके उसमें सवाल और जवाब क्यों नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं इनकी कमी मानी जाए कि ये सभी कमियों को छुपाने के लिए दौरा दिया गया था और महज दिखावा साबित हुआ है। जीवन जी जी शर्मा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो दौरा हुआ है और दौरा बेहद गोपनीय रहा है, इस दौरे में क्या कुछ एक्टिविटी अंदर हुई इस पर कोई भी चर्चा ना तो खुद मनजीत सिंह जी ने की है और ना ही वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने की। यहाँ तक कि हमने कोशिश सुबह भी की थी और अभी भी की थी कि जो चीफ इंजीनियर है पावर प्लांट के वी के कैलासिया, उनसे संपर्क हो, उनसे बातचीत हो, लेकिन संभवतः जो कुछ हुआ है, जो कुछ आज घटनाक्रम हुआ है उसे जनता के सामने, मीडिया के सामने रखना नहीं चाहता है प्रबंधन, और शायद इसलिए ना तो फोन पर कोई संपर्क और ना ही रूबरू होकर कोई बातचीत हो पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी। मंजीत से पावर प्लांट पहुंचे और उन्होंने बैठक भी ली, तमाम जो भी प्रक्रिया अंदर हुई, हालांकि उससे संबंधित कोई भी विषय बाहर नहीं आया है। जो एहतियात पहले सीएमडी के दौरे के दौरान बरती जा रही थी, इस बार शायद उससे ज्यादा एहतियात बरती गई कि बाहर जो लोग हैं या जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत ना हो पाए। इस विषय को लेकर हम वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम नारायण सोनी जी, उनसे चर्चा कर रहे हैं। आज सोनी जी, सीएमडी मनजीत सिंह पावर प्लांट पहुंचे, बैठक भी ली होगी निश्चित तौर पर, निरीक्षण करने आए थे, भोजन प्रसादी ली और वापस चले गए, क्या कुछ तब्दीलियां इस दौरे के बाद देखने को मिल सकती है? मंजीत सिंह जी जो पावर जेनको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी, उनकी जो रिपीट आज बिरसिंहपुर के संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट में रही वो इतनी गोपनीय और इतनी सुरक्षित रखी जा रही थी जी कि किसी को इसकी जानकारी न लग पाए जी। किसी तरह भी मीडिया तक ये जानकारी पहुंचने के बाद मीडिया के लोग जो इस पावर प्लांट की समस्याओं और व्यवस्थाओं के बारे में, बिजली और बिजली की उपलब्धता, कोयले की कमी और प्लांट की स्थिति के बारे में जो जानकारी लेना चाहते थे, आखिर वो इससे दूर क्यों भागना चाहते, वे मीडिया और कैमरे के सामने क्यों नहीं आना चाहते,
उसके पीछे निश्चित तौर पे उनके किए गए जो कार्य है उनका विश्लेषण किया जाना निशान जरूरी है। वे 27 मई 2020 से 2 वर्ष पूरा 2022 में हो जाएगा, 2 वर्षों से मतलब एमडी है और उनके कार्यकाल में जो उपलब्धियां थी उन्होंने मंथन में जबलपुर में तो गिरा दिए हैं, किंतु मंथन का दूसरा पहलू यह है कि वीर सिंह पुल जो 40 वर्षों से स्थापित यहां पर उत्पादन लगातार 3 दशकों से दे रहा है, उसकी दुर्दशा और उसकी व्यवस्थाओं में कोयले का न मिलना कौन जिम्मेदार है। तो इसमें जो है संजय गांधी थर्मल पावर में 210 मेगावाट की 4 यूनिटें लगी हुई हैं और 500 मेगावाट की 1 यूनिट है। पिछले वर्ष कल के दिन 18 मई 2021 को यहां पर करोड़ों रुपए का स्टेकर रिक्लेमर धराशायी हो गया जिसकी वर्तमान आकलित कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए मान रहे हैं और उसके कारण वह जो स्टेकर रिक्लेमर का काम था कि जो कोयला रेलगाड़ी के माध्यम से पावर प्लांट में आता है और वह जो शेष रहता है उसे स्टॉक करके ग्राउंड स्टॉक किया जाता है, तब वो स्टैकिंग का काम करता है और जब उसे पावर प्लांट में कोयले की कमी पड़ती है तो उसे आपूर्ति के लिए रिक्लेम करके कोयला ठीक करके कन्वेयर के माध्यम से मिलों तक पहुंचाया जाता है जहां से जलकर वह बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। किंतु जब यह टूट कर गिर गया और आज तक वो न सुधरा है न उसकी जगह नई व्यवस्था हुई है तो प्लांट में उत्पादन पर सीधा प्रभाव तो पड़ा ही है और आज तक उसकी जो जांचें हुई जांच की गई जिन लोगों ने जांच की उनमें कैसी कैसी लीपापोति की गई वह तो विषय अलग है, किंतु ये बताया जाए इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें 40 करोड़ रुपए का यह यंत्र टूट कर इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया कि अब वो काम लायक नहीं रह गया और उसके कारण प्रतिदिन अगर अनुमान लगाया जाए तो इन 4 इकाइयों में कोयला फीडिंग के कारण लगभग 100 मेगावाट प्रतिदिन के उत्पादन की अंडर स्टिमुलेशन हुआ है, अंडर उत्पादन हुआ है, हानि हुई है और एक दिन में 100 मेगावाट से 24 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है जिससे वर्ष भर में लगभग 90 से 100 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन निश्चित तौर पे प्रभावित और नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश के माने जनरेटिंग कंपनी के कारण। और फिर आखिरकार इससे पल्ला के उद्धार रही मनजीत सिंह जी जब से बैठे हैं उनकी उपलब्धियों में तो बहुत सारे में लिखे जाने बिल्कुल चूंकि मनजीत सिंह जी के कार्यकाल को 2 साल पूरा होने जा रहा है ऐसे में क्या कुछ उल्लेखनीय है, चूंकि अभी हम वर्तमान स्थितियों को देखें तो मांग और आपूर्ति में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है ग्रामीण इलाकों में जहां सरकार दावा करती है कि 24 घंटे बिजली मध्य प्रदेश में उपलब्ध रहेगी लेकिन ग्रामीण इलाकों में शायद आधे समय भी बिजली नहीं मिल रही है बल्कि शहर के भी जो कई क्षेत्र हैं कई बड़े शहरों की कॉलोनियां हैं चाहे हम भोपाल की बात कर लें इंदौर की बात कर लें जौलपुर ग्वालियर इन 4 बड़े शहरों के साथ साथ और भी बहुत सारे बड़े शहर हैं वहां भी बिजली कटौती और अघोषित बिजली कटौती की चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। ऐसे में 2 साल पूरे करने वाले मनजीत सिंह की उपलब्धियां क्या मानी जाए? सबसे बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि 2 वर्षों में इन्होंने जब से उपलब्धियों की गिना जाए इनका तो 2 वर्ष में इनके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो थर्मल इतिहास और हाइडल जनरेटिंग इतिहास में संभवतः बहुत कम देखने को मिलती है। पहले इनका 22 मई 2020 को बैठने के बाद ठीक 1 महीने के अंदर 17 जून 2020 को 3 नंबर यूनिट जो जल विद्युत उत्पादन करती है उसका टरबाइन जनरेटर जल गया। उसके बाद वह उसी पावर प्लांट का 105 मेगावाट की दूसरी इकाई 1 नंबर वह 2021 में जनरेटर फॉल्ट में जल गई। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो सबसे नवीनतम टेक्नोलॉजी का
खंडवा में 660 मेगावाट का दो यूनिट नई लगाई गई हैं, उनकी इकाइयां स्टार्ट होने और गारंटी पीरियड के पहले के बीच में ही उसके टर्बाइन में इतना बड़ा फॉल्ट आया कि वर्ष भर वह यूनिट शून्य उत्पादन में रही, उत्पादन एक यूनिट बिजली का नहीं हुआ। और जबकि इसके समस्त कार्य जब ये डायरेक्टर कमर्शियल के पद पर रहे, श्री मांझी के निर्देशन मार्गदर्शन और उनके संरक्षण में वो सारा निर्माण उनकी दृष्टि से हुआ था, तो अगर टर्बाइन टूटी थी और टर्बाइन के कारण बड़ा नुकसान हुआ है तो आखिर वे जिम्मेदार क्यों नहीं है, सवाल यह है। और अगर ये उपलब्धियों के आंकड़े हैं तो निश्चित तौर पे इनके कारण अरबों रुपए की विद्युत उत्पादन के साथ संयंत्रों की क्षति जो हुई है वह निश्चित तौर से विचारणीय बिंदु है कि मध्य प्रदेश के थर्मल जनरेशन इतिहास में ये घटनाएं हुई हैं, आखिर इनके लिए जिम्मेदार कौन है। मजीद सिंह के समय अभी कोयला नहीं आ पा रहा, आज ही बिल्कुल इस विषय पर भी आएंगे। ये एक अभी मैं दरअसल दिन भर से प्रयास कर रहा हूँ कि जो उच्च अधिकारी हैं, क्योंकि दौरा होना है मनजीत सिंह जी का, तो क्यों ना वीके करासिया जी से पूछ लिया जाए। तो जब जो हम इनका नंबर डायल करते हैं 9425611020 तो एक बड़ी प्यारी से हेलो ट्यून है, सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे। अब जो हालात बन गए हैं, जिस कोयले का आप उल्लेख करने जा रहे हैं, जो कोयले की तरफ आपने इशारा किया है, क्या वाकई में अब सस्ती बिजली उपलब्ध करा पाएंगे? माने वो बड़ा शानदार सवाल है और सर से ये जो बिजली की झुनों के साथ ये बता रहे हैं, क्या इसमें वो इतना सही कर पा रहे हैं? शायद मेरा आकलन है कि नहीं। मध्य प्रदेश में जो बिजली उत्पादित होती है वह जो कोयला आता है लगभग औसत बीसीपुर अमरकंटक सारणी और कटाई को मिलाकर लगभग 3,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए से लेकर के 4,500 रुपए मेट्रिक टन में कोयला पहुँच कर यहाँ पड़ता है। और उतने कोयले में जो मानी कोयले की खपत है वह लगभग 650-660 ग्राम एक यूनिट में कोयला लगाकर बिजली बनती है, जिससे लगभग 2.5 रुपए के करीब कोयले की कास्ट बैठती है। किंतु जो विदेशी कोयला जब लाया जाएगा और जिसकी कीमत का जो चर्चा है कि वह हाई सीवी का होगा, वह जो हाई सीवी का कोयला होगा उसकी कीमत भी 18,000 से 20,000 रुपए मेट्रिक टन होगी, यानी एक किलो कोयले की जो भारतीय कीमत है वह 3 रुपए से 4 रुपए के बीच में है, और यह कोयला 18 से 20 रुपए टन होगा, एक किलो होगा प्रति किलो। और अगर उसमें से 10% ये लगाने की बात करते हैं कि हम 10% उस कोयले के साथ इसको सेट करेंगे मिलाएंगे, तो आप ये बताएं कि 2.50 रुपए का उनका जो कोयला खपत होता है और 100 ग्राम ये कोयला लगने के बाद ये कीमत लगभग 1 रुपए यूनिट प्रति यूनिट से ज्यादा इसकी खर्च बैठेगा। क्या ये मध्यदेशी के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से वसूला नहीं जाएगा? बिल्कुल, इसका भार मध्यदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर निश्चित आएगा और इसके प्रभाव कोयले की कमी का जो ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसके आकलन किए जाएं, इसके सारी चीजों को देखा जाए तो कोयले की रैक लगातार 15-18 रैक आ रही है, 12 रैक आ रही है, तो भारतीय कोयला तो आ रहा है और ये आप ला भी रहे हो, उसके बावजूद आप कोयले की कमी का जो ढिंढोरा पीट करके देश में प्रदेश में इतनी महंगी बिजली लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि आपके यहाँ जब बिजली होगी तो उसके लिए विदेशी कोयला जरूरत है। और जबकि कोल इंडिया के आंकड़े, कोल इंडिया के रेल मंत्रालय की सूचना, उनके केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, ये सबका कहना है कि भरपूर मात्रा में कोयला हम उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बावजूद कोयले की रेट आ रही है, कोयला मिल रहा है, फिर भी कोयले की कमी का ये ढिंढोरा करके विदेशी कोयला जो लाया जा रहा है निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता के साथ ये महंगी बिजली का छलावा होगा।
बिल्कुल, यानी उत्पादन और महंगा होगा और सस्ती बिजली की जो हेलोट्यून है वो गलत साबित होने वाली है। इसके अलावा ये चूंकि हम दौरे पर अगर आज फोकस करें, जो दौरा था मंजीत सिंह जी का, उस दौरे को इतनी गोपनीयता उस दौरे की रखी गई कि उसे हम खुफिया दौरा कह सकते हैं। इस खुफिया दौरा के दौरान शायद जो स्थानीय स्तर की छोटी समस्याएं हैं, वहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो राखड़ का एक ऐसा विषय है जो विधानसभा में भी मुद्दा उठा और शायद उसका उत्तर भी आज तक नहीं मिल पाया है। ये तमाम जो प्रश्न है वो आज भी मुंह बाहर खड़े हैं। शायद इनका उत्तर मंजीत सिंह जी के पास भी नहीं है और उससे ऊपर जो मंत्री हैं उनके पास भी शायद नहीं। निश्चित तौर पे आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि इस क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट के कारण जलने वाले कोयले और उसके प्रभावों से निश्चित तौर पर प्रदेश यहाँ जो हम पर्यावरण प्रदूषण सह रहे हैं, सारी परिस्थितियों को झेल रहे हैं और यहाँ का उत्पादित जो राख है, सुलाई है, उसे सीमेंट यहाँ गरीब के जो सतना, रीवा और कैमूर अन्य क्षेत्रों में जो सीमेंट प्लांट है यहाँ से पैसे में क्रय करके यहाँ से राख ले जाती रहे। इसके संदर्भ में विधानसभा में क्वेश्चन लगा, मैंने इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 13-12 इंदौर राव के विधायक जीतू पटवारी ने उठाया था, उनके सवाल के जवाब में जो इन्होंने जो कुछ किया है वो बड़ा विस्मयकारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक माह का जो आंकड़ा दिया है उसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ ये इतने 5,00,000 मीट्रिक टन राखला जिला, उसमें 1,85,000 टन फ्लाई एस जनरेट हुई राख बनी। फिर यहाँ पर राख का दूसरा बिंदु था कि राख को आपने जो है यूटिलाइज कैसे किया, तो उन्होंने लिखा है उत्तर में कि हमने इसमें से जो 1,85,000 टन राख थी उसमें लगभग 60,000 टन राख, 60 से 62,000 टन राख हमने सीमेंट प्लांटों को जो फ्लाई ड्राई एस है उसे 120 से 122 रुपया मीट्रिक टन में विकृत किया है, दिया है। और बड़ा ही विस्मयकारी सवाल है जो बाकी 1,12,000 टन राख हमने वेट आए जिसे गीली राख कहा जाता है, जो शून्य कीमत में दी जाती है, उसका कोई पैसा नहीं दिया था, वह भेजा गया है। तो सवाल ये उठता है कि गीली राख को उठाया कहाँ से गया? गीली राख का परिवहन ओपन डाला बाजी हाईवा ट्रकों में हो सकता है। यहाँ पर अधिकांश कैप्सूल कवर्ड टैंकर आते हैं और उनमें गीली राख भरी ही नहीं जा सकती। तो इतनी मात्रा में कौन कौन से ट्रक थे, कहाँ से, अगर एक महीने में 1,12,000 मीट्रिक टन राख को यह मान लिया जाए कि 50 मीट्रिक टन क्षमता के परिवहन के पासिंग वाले ट्रकों से ढोया जाए तो ये लगभग माने ये संख्या जो है 2,300-2,400 मीट्रिक टन होगा, जो 80 से 90 ट्रक प्रतिदिन होता है जो यहाँ से जुड़े ही नहीं है। जो यहाँ छोटे छोटे काम करने वाले ट्रांसपोर्टर हैं उनके पास से आ गए, इनकी जो राख तौलने के लिए 0 पॉइंट में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगी है जिसमें रात 12:01 से रात के 00:00 24 घंटे के हर गाड़ी के वेट का डब्बे की खाली और भरे हुए वजन का वेट होता है। यह जानकारी विधानसभा में मांगी गई है, यह अभी सत्र में क्वेश्चन लगा भी था, उसके उत्तर आने के पहले ही सदन अन्य कारणों से स्थगित हो गया। तो निश्चित तौर पे यह मामला बहुत ही घोटाले का है, इसमें राख को भेजा गया है, तो वह जो ड्राई एस गई है वह गई ड्राई एस है वह तो टैंकरों में गया है, किंतु जो गीली एस है वो किससे ढोया गया है और फिर उसके वजन कब हुए हैं, उसके ट्रांसपोर्टर कौन है, इस गाड़ी का मैक डिजाइन क्या है, एक ट्रांसपोर्टर और उस कंपनी का नाम तक पूछा गया है, संभवतः यह सवाल इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। और इसी इन्हीं उत्तरों से बचने के लिए ये पावर प्लांट में पत्रकारों से जानकारों से और भागते रहते हैं, यहाँ हजारों मजदूर काम करते हैं,
जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री महोदय श्री मोदी जी का एक आह्वान है कि मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी मिले, बैंकों से मिले, बैंक अकाउंटों में जाए, ईपीएफ कटे, यहाँ पर इसे लगभग इसका वायलेशन होता है। जिन मजदूरों को ईपीएफ अकाउंट नहीं मिल पा रहे, उनके बैंक पासों की जानकारी नहीं मिल पा रही, और ये जो हजारों मजदूर चल करते हैं इनके साथ छलावा हो रहा है, बैंकों की बजाय ये नगद भुगतान का निवेरा पीट के उनके साथ कम भुगतान भी देते हैं और बड़ा सेल भी करते हैं। बिल्कुल, यानी इनका जो दौरा है वो प्रश्नों के घेरे में है। ये आने के बाद आखिर मीडिया से ये दूसरा तीसरा दौरा है, ये सदैव भागते रहते हैं। वे कैमरे को फेस करना क्यों नहीं चाहते, सच्चाई से वो रूबरू क्यों होना चाहते, ये सिर्फ फर्जी आंकड़ों को बताकर मंथन जैसे कार्यक्रम में लोगों के साथ जो वास्तविकता को इन्होंने ठगने का प्रयास किया है वह निश्चित तौर से चंद दिनों में खुलता हुआ नजर आएगा। और प्रदेश की जो जनता है उसके सामने मध्य प्रदेश के थर्मल सेक्टर में अयोग्य और अकुशल प्रबंधन के बदौलत हो रही बढ़ रही महंगाई और प्लांटों की दुर्दशा पर एक बृहद चिंतनीय विषय होगा, जो समाज को यहाँ मध्य प्रदेश की जनता और सरकार को सोचने पर मजबूर करे। बिल्कुल, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये गोपनीय दौरा मंजीत सिंह जी का आज संपन्न हुआ। आप देखते हैं कि दौरे के बाद क्या तब्दीलियां प्लांट के अंदर होती हैं और प्लांट क्योंकि विद्युत निर्माण की इकाई है, क्या सुधार कार्य प्रणाली में होता है। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर जो 5 इकाइयां हैं उनमें आज की स्थिति में 2 इकाइयां, एक तो एनुअल ओवर हाली के नाम से बंद है 15 अप्रैल से, और एक इकाई कल ही बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद हुई है, और बाकी 3 इकाइयों से 1 नंबर यूनिट से अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 172 मेगावाट, 4 नंबर से 172 मेगावाट, और 5 नंबर 500 मेगावाट की इकाई से 507 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 1340 में 845 मेगावाट उत्पादन अभी है। जब वो इस दिन देखने आए हैं यही इकाई जो 130-135 में चलती रही आज वो 170 पे कैसे चल रही है। बिल्कुल, और इस बात को 170 में अगर वो चल सकती थी तो अन्य दिनों में 170-180-175 पे क्यों नहीं चलाया जाता रहा, यही एक सवाल है कि अंडरलोड चलाकर प्रदेश की जनता के साथ बिजली उत्पादन के नाम पर छलावा किया जा रहा है और प्रदेश में महंगी बिजली देने के लिए सारी सतरंगी विकास दिखाई जाती है, जिससे विदेशी कोयले के आयात का भी एक मामला है। बिल्कुल, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम नारायण सोनी जी, जिन्होंने पावर प्लांट से जुड़ी तमाम बातचीत तमाम जानकारी हमें दी, और इसके अलावा इस दौरे में क्या कुछ होना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, ये जो तमाम विषय इन पर भी प्रकाश डाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए।